नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कक्षा 7 की एनसीईआरटी का हमने शुरू किया है पहला अध्याय, पूर्णांक। ये देखिए दोस्तों, निगेटिव संख्याओं को दर्शाने के लिए देखिए कितना अच्छा प्रयोग किया गया है। ये देखिए, ये समुद्र का समुद्र तल, इसको माना है समुद्र तल, तभी इसको जीरो दे दिया गया, समुद्र तल को जीरो। समुद्र तल से जो हवाई जहाज जुड़ रहा है आपका, 5,000, मेरे ख्याल से ये मीटर होना चाहिए, मीटर। और जो एक पनडुब्बी है दोस्तों, पनडुब्बी, इसको कहते हैं पनडुब्बी, पनडुब्बी, आप गूगल पे इसको करें, ये बहुत ही, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी एक हुई है पनडुब्बी वाली, पनडुब्बी बहुत ही। और ये पनडुब्बी जो है वो समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे है, यानी इसको -1200 मीटर भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पनडुब्बी से हवाई जहाज कितने कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, पनडुब्बी से 5,000 तो यहाँ है और 1200 और जोड़ देंगे आप, 6,500 मीटर, पनडुब्बी से, पनडुब्बी से हवाई जहाज की दूरी 6,500 मीटर हो जाएगी, समझ रहे हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से ये वाला प्रश्न है ही, एक हवाई जहाज 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती तो ही पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो दोस्तों, पनडुब्बी से जो हो जाएगा वो 6,500 मीटर हो जाएगा, समुद्र तल से ये 5,000 है -1200, तो यहाँ से जो हो जाएगा 6,200 मीटर इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी दोस्तों। यहाँ आप इस तरीके से मत करिएगा कि ये 5,000 है, ये प्लस है और ये माइनस, इसमें से 1200 कर देंगे तो हमें बीच की, दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मिल जाएगा आपको 3800, 3800 यहाँ से होता है, ये जीरो है, 3800 कहीं यहाँ होता है। तो क्या दोनों के बीच की ये दूरी है? नहीं दोस्तों, दोनों के बीच की ये दूरी है। ऐसे ही आप किसी भी उत्तर पे ना जाएं, उसके पीछे आप दिमाग लगाएं कि क्या ये सही उत्तर हो सकता है या फिर मुझे दोबारा देखने की आवश्यकता है, समझ रहे दोस्तों। आइए कुछ ये इसके क्वेश्चन करते हैं सत्यापन। लिखा है ए में से अगर माइनस और माइनस बी करें तो ए प्लस बी हो जाता है, सही बात है, देखिए माइनस माइनस आपस में गुणा हो जाता है। इसके सत्यापन के लिए क्या ये सही है, हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ए 28, 28 माइनस माइनस 11, तो ये 28 प्लस 11 ओके 39 हो जाना चाहिए। नंबर लाइन पे हम देखें अगर दोस्तों, 28 जो है, मान लेते हैं ये जीरो है, ये 28 है, और ये है कहीं -11। अब जब आप 28 और 11 में से, 28 में से -11 घटाएंगे, घटाना है हमको दोस्तों, 28 में से अगर जोड़ेंगे तो इधर जाएगा, हम घटाएंगे तो इधर जाएगा, मगर हम दोस्तों 11 नहीं घटा रहे, 11 अगर घटाते तो इधर जाता, -11 घटा रहे हैं, तो हमारा -11 जो है घटाने पे वो इधर चला जाएगा, 28 11 39 आ जाएगा, क्योंकि तो माइनस माइनस आपस में ये ब्रैकेट खोलेंगे आप तो ये प्लस हो जाता है, बहुत ही सिंपल सा है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। आप इसमें सिंपल वैल्यू रख करके भी पता लगा सकते हैं, ये भी वही है, ठीक है दोस्तों। पूर्णांकों के योग एवं व्यकलन के गुण, पूर्णांकों को आपस कैसे जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस नंबर को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, इसका देखिए दोस्तों, 7 में से 9 गया तो -2, आप तो जो भी कह रहा है घटाने को कह रहा है तो घटा दीजिए, निशान जो है वही आएगा जो बड़ा हो। देखिए यहाँ पे देखिए, 17 माइनस माइनस, ये माइनस हटाएंगे जब ब्रैकेट, प्लस हो जाएगा 17 और 21, 28 और 10 38 हो जाएगा, ये इसमें भी वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 और 14, तो 14 और में से 8 जाएगा, निशान रहेगा प्लस का तो +6, क्योंकि ये 14 बड़ा। यही अगर दोस्तों ये 18 होता, 18 में से अगर तो ये हो जाता -4, 18 में से 14 जाता, निशान इस बार माइनस वाला रहता, समझ रहे हैं दोस्तों आप क्या कहना चाहता हूँ। माइनस माइनस खोलेंगे, देखो ये प्लस हो गया,
तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ये है, माइनस है तो घटाना है हम लोगों को, घटाना है और माइनस का निशान आएगा तो यानी -11। समझ रहे दोस्तों, क्रम विनिमेय गुण आप जानते ही हैं। क्रम विनिमेय यानी अगर मान लिए 3 + 5 है, उसको 5 + 3 लिख सकते हैं, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं। ये जोड़ने में है, ए गुड़े बी को आप बी गुड़े ए लिख सकते हैं, ये गुणा करने में क्रम अनुकार, ये जो गुण है इसको कहते हैं क्रम विनिमेय, या फिर इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटिविटी, कम्यूटिविटी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही ये चीज यहाँ पे लिखा है, ए प्लस बी। साहचर्य गुण क्या होता है दोस्तों? साहचर्य गुण, पूर्णांक ये दिए गए हैं, इनको और इनको ध्यान दीजिए। साहचर्य गुण आपको पता है दोस्तों, एसोसिएटिविटी, यानी अगर आप ये है तो आप ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, या आप ये भी लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस, समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं एसोसिएटिविटी या फिर सहचारी, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। आगे का हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।